हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, ये डोरमेट राउंड वाला, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। ये तो मैंने साड़ियों से बनाया हुआ है। मैंने साड़ियों से कई डोरमेट बनाए थे जिसमें से थोड़े थोड़े पीसेस बच जाते हैं। पूरी पूरी साड़ी तो लगती नहीं, जो थोड़े थोड़े बच जाते हैं उसको मिला के मैंने ये बनाया हुआ है। आप इसको ऊन से भी बना सकती हैं। इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊन नहीं लगेगा। ये मैं दो कलर से बनाऊंगी। मैं इन दो कलर से आपको बना के बताती हूँ। आप चाहे तो तीन रंग भी लगा सकते हैं, इसमें ब्लैक भी लगा सकते हैं साथ में। आप कोई भी अपने मनपसंद कलर के ऊन को चूज़ करिए और आप इसको बना सकते हैं। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा ऊन नहीं लगता। इन दो गोलों में ही हमारा ये पूरा डोरमेट बन जाएगा। आप इसको डोरमेट की तरह यूज करिए, प्लेट कवर की तरह यूज करिए, या आप आसन, पूजा का आसन बना सकते हैं, उससे यूज करिए। ये किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकती हैं, ये आपके ऊपर है। तो चलिए फिर हम बनाते हैं इन दोनों से। मुझसे बहुत लोगों ने पूछे कि मैं डोरमेट के लिए फंदे कैसे डालूँ। तो ये दोनों ऊन जो है, ये बहुत मोटा भी नहीं है, बहुत पतला भी नहीं है, बीच की मोटाई का ये ऊन है। इसके लिए मैं 9 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ ना बहुत टाइट है ना बहुत लूज है, इसलिए मैं 9 नंबर की सिलाई लगाती हूँ। आपका हाथ अगर बहुत लूज चलता है तो आप 10 नंबर की सिलाई से बनाइए, और अगर आपका हाथ बहुत टाइट चलता है तो आप इस ऊन के लिए 8 नंबर की सिलाई यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इससे डार्क कलर से डालूँगी फंदा। आप चाहें तो पहला सिरा ऐसे पकड़ के, जैसे जनरली छोटे बच्चे जब सीखते हैं तो फंदा डालते हैं, इस तरह से उंगली से उठाया और ऐसे डाल दिया, ये उठाया और ऐसे डाल दिया, ऐसे ये डाल दिया। इस तरीके से भी डाल सकती हैं फंदा, इसको भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। या तो फिर आप एक लंबा सिरा ऐसे ले लीजिए और ये सिंगल ऊन का, जैसे मैंने फंदा डालना आपको बताया ही है अपने चैनल में, ये देखिए, ये ऐसे ये इसको किया, ये इसको बीच से निकाल लिया और इस तरीके से हम ये कर लेंगे। तो ये भी फंदा हमारा आराम से लास्ट में खुल जाता है, ये फंदा भी हमारा लास्ट में आराम से खुल जाता है। पूरा यहाँ से तो खुल जाता है, यहाँ पे जो हम लोगों ने गांठ लगाया इसको लास्ट में खोलना पड़ता है। तो इस तरीके से भी ये ऐसे किया, ये किया, इस तरीके से हमने ये किया, तो इस तरीके से भी हम फंदे को डाल सकते हैं। फंदा हमको थोड़ा ढीला ही ढीला डालना है। ये देखिए, आराम से जो सिलाई ऐसे 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 निकल जाए, इस तरीके से हमको फंदा बहुत ढीला ही ढीला, बहुत ढीला नहीं मतलब ढीला डालना है। ये ऐसे करिए, ऐसे इस पे हम लोग इस तरीके से 40 फंदे डालेंगे। ये इस पे हम 40 फंदे डालेंगे। ये देखिए, ये मैंने 40 फंदे इस पे डाल दिए हैं। इस डोरमेट को आप छोटा भी बना सकती हैं, बड़ा भी बना सकती हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि हमको इसमें 4 के मल्टीपल फंदे डालने हैं। 4 के हिसाब से आप 24 का बनाइए, मैंने 40 का बनाया है, आप 32 का बनाइए। इसमें और आप प्लस अगर बड़ा करना है तो इसमें और 4-4 प्लस करते जाइए। डिवीजन हमारा 4-4 फंदों का होगा, तो जो हमारा 4 से डिवाइड हो सके उतने फंदे हम इसमें डालेंगे। तो ये मैं 40 फंदे का आपको बता रही हूँ। इसके लिए ये मैंने 9 नंबर की सिलाई पे 40 फंदे 40 स्टिचेस डाले हुए हैं। इस पर टोटल 40 स्टिचेस हैं। अब मैं हमेशा जब बिनाई की शुरुआत करती हूँ तो पहला फंदा उतारती हूँ। इस डोरमेट में भी मैं वही करूँगी। इस तरीके से हमने फंदा उतारा और मैं ये दो सिलाई दोनों तरफ से पर्ल बिनाई की, यानी उल्टी सिलाई बीनूँगी। मैं डोरमेट हमेशा उल्टे तरफ से ही बनाती हूँ और इसको उल्टा ही सिलाई में ही बिनना चाहिए, क्योंकि इस तरह से इसकी बिनाई भी अच्छी आती है और इसका जब हमें दूसरा कलर बदलना होता है तो हमारी फिनिशिंग इधर फ्रंट साइड पर सही आती है। ये हमारा एक तरह से उल्टा तरफ, इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए, जिधर हम कलर लगाते हैं दूसरा ज्वाइंट करते हैं वो हमारा उल्टा तरफ हो जाता है। तो ये हमारा सीधा भाग रहेगा, ये जो हम पहली बिनाई की शुरुआत करते हैं ये हमारा उल्टा भाग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम ये खोल के फिर लास्ट में दूसरे वाले पल्ले से ज्वाइंट कर देते हैं। तो ये हम दो सिलाई सीधी उल्टी जो भी हमारी है दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई की बिनाई करेंगे। ये देखिए, मैंने एक सिलाई टोटल उल्टा बना लिया है। दूसरी तरफ भी फंदा डाल के पहली सिलाई मैंने टोटल उल्टी सिलाई बिनते हुए 40 फंदे बिन लिए हैं। अब दूसरी तरफ, अब इधर से हम अपने डिजाइन की शुरुआत करेंगे। बीनेंगे तो हम दोनों तरफ उल्टा ही उल्टा, लेकिन इस तरफ हम ये 1, 2, 3, 4 ये 4 फंदे जो हमारे हैं स्टिचेज, इसको हम छोड़ के यहाँ तक की बिनाई करेंगे। यहाँ पर भी शुरुआत हम वही करेंगे, पहला फंदा उतार लिया, इसको
और फिर हमारे जब तक ये चार फंदे न रह जाएं तब तक हम ये बिनाई करेंगे। ये देखिए ये मेरे चार फंदे रह गए, ये चार फंदे मेरी सिलाई पे जब रह गए तो मैं इसको पलट दूँगी। पलटने के बाद मैं जैसा हमेशा करती हूँ पहला फंदा इसको उतार के उनको आगे किया और अब मैं पूरी सिलाई उल्टी सिलाई की बिन जाऊँगी। इसी तरीके से हम बिनेंगे, ये मैं पूरी सिलाई उल्टा बिन जाऊँगी। इस तरफ मुझे इस तरफ यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस हम हर सिलाई में ये चार चार फंदे छोड़ते जाएंगे। ये चार इधर छोड़ा, फिर ये इसमें चार छोड़ेंगे, ऐसे छोड़ते छोड़ते जब तक हमारे चार फंदे यहाँ पे ना बच जाएं तब तक हम इसको इसी तरीके से बिनेंगे। इसको इस तरीके से ऐसे पूरी सिलाई उल्टी बिन लेंगे और नेक्स्ट सिलाई में हम फिर जब आएंगे तो यहाँ पे फिर हम ये चार फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए फिर मैंने अपनी अगली सिलाई पूरी कर ली है और अब इधर मेरे ये पिछले बार के मेरे ये जो चार फंदे बचे थे ये और इस बार भी मैं ये चार फंदे ऐसे छोड़ दूँगी, ये मैं छोड़ दूँगी। फिर इसको ऐसे पलट के ये हम तब तक करेंगे जब तक कि यहाँ पे हमारे ये चार फंदे ना बच जाएं। यहाँ पे चार चार छोड़ते छोड़ते जब हमारे यहाँ तक चार फंदे बच जाएं तब तक मेरा ये कलर चलेगा। तो फिर मैं इसको पलट के इस तरीके से फिर बनाते बनाते जब तक हमारे चार फंदे बच जाएं, ये एक बार हुआ, ये दूसरी बार, फिर हम ऐसे ही छोड़ते छोड़ते जब हमारे लास्ट में चार फंदे बच जाएंगे तब तक हम इसको बिनेंगे। ये देखिए ये मैंने ये चार चार फंदे छोड़ते हुए मैंने इतना उतार लिया। अब मेरी इस सिलाई पे आठ फंदे रह गए हैं, तो अब मैं जब ये आठ फंदे रह गए हैं तो इनको सिर्फ चार फंदों को बिन के ये चार फंदों को बिन के इसको मैं यहाँ से जब पलट दूँगी तो ये देखिए ये हमारे टोटल सारे चार चार फंदे का डिवीज़न हो गया, ये सब चार चार फंदों का डिवीज़न हो गया। अब मैं इसको पलट के सिर्फ इन चार फंदों को बिनूँगी। और फिर ये यहाँ से मैं अब ये पूरी सिलाई मैं इस कलर से बनाऊँगी। ये टोटल 40 फंदे में ये ऐसे इस कलर से बना लूँगी। आप चाहें तो इसको अपने पास जो थोड़े थोड़े बचे बचे ऊन होते हैं उससे एक एक ये कलियाँ जो हैं बना सकती हैं, वो भी अच्छा लगेगा। जब हम स्वेटर बीनते हैं तो थोड़े थोड़े ऊन हमारे पास बचे रह जाते हैं, तो ऊन का इस्तेमाल भी हो जाएगा और हमारी एक अच्छी सी चीज़ भी तैयार हो जाएगी। तो पूरी सिलाई मैं टोटल बना लूँगी इस तरीके से। डोरमेट बनाने के लिए मोटा ऊन ही अच्छा होता है, या तो आपके जो पुराने स्वेटर जो आप यूज़ नहीं करती हों उनको खोलिए और उनसे बनाइए। ये देखिए ये लास्ट में एक फंदा जब हमारा रह गया तो अब हम इसमें दूसरा कलर जोड़ के, क्योंकि हम कभी भी स्वेटर में भी जब दूसरे कलर से कोई डिज़ाइन बनानी होती है, अगली सिलाई बिननी होती है, तो हमारा जो लास्ट फंदा होता है उसके एक फंदा पहले ही हमें ये कलर चेंज कर देना चाहिए, ताकि सीधी तरफ से जब हम पहला फंदा उतारते हैं तो हमारी ये जो लाइन है ये अलग सी ना लगे, ये ऐसे, क्योंकि दूसरी तरफ जब हम बीनेंगे तो ये फंदा उतारेंगे तो ये उतारने पे हमें ये ख़राब ना लगे। अब मैं ये टोटल पूरी रो वाइट से बनाऊंगी, पूरी टोटल रो मैं अब ये वाइट से बनाऊंगी इसको इस तरीके से। तो इस तरीके से जब हम ये ज्वाइंट करते हैं तो ये दो कलर जो हमारा आता है तो ये हमारा बैक साइड होता है और ये हमारा फ्रेश पीस जो आता है ये फ्रंट साइड होता है। तो इसको मैं टोटल पूरी रो वाइट से बना लूँगी। ये देखिए ये मैंने पूरे वाइट से बना लिया। अब मैं फिर वही जो यहाँ पे मैंने किया था यहाँ से मैं टोटल आऊँगी और यहाँ पे ये जो चार फंदे हमारे ये हैं ये टोटल
ये चार, ये मैं छोड़ते छोड़ते फिर इसी चीज़ को रिपीट करूँगी। सेम प्रोसेस फिर से यही रिपीट होगा जब तक हमारी ये पूरे फंदे घटते घटते ये चार फंदे इस पर ना बच जाएं। एक तरफ से हमें बिनते जाना है और एक तरफ से हमें छोड़ते जाना है इस तरीके से। देखिए ये मैंने चार फंदे छोड़े, अब मैं इसको फिर से पलट लूँगी और फिर पहला फंदा उतार के इसको ऊन आगे किया और फिर इसको मैं ऐसे, अब मैं इसी तरीके से पूरी ये कलर से पूरी ये कली बनाऊँगी इस तरीके से, ये हमारा बन जाएगा। ये देखिए ये मैंने दूसरे कलर से भी ये बना लिया है। अब मैं फिर ये पूरी रो वाइट से बना ले जाऊंगी और लास्ट वाले फंदे को, अगर मुझे दो रंग से बनाना है तो मैं इसी रंग से फिर यहाँ पे रिपीट करना शुरू करूंगी और अगर मुझे दूसरा रंग लगाना है तो मैं एक दूसरे कलर को यहाँ पे जोड़ दूँगी। तो ये इसी तरीके से हमें ये चार चार फंदे छोड़ते हुए, ये देखिए लास्ट में चार बच गए। अब मैं ये पूरी सिलाई फिर वाइट से टोटल बिन के फिर लास्ट में मैं नए कलर से बनाऊंगी इस तरीके से। फिर मैं पूरा बिन लूँगी, उसके बाद फिर मैं ये अब इसमें ब्लैक कलर लगाऊंगी। मैं ये तीन रंग से बनाऊंगी इसको, मैं ये ऐसे लास्ट में और ये ब्लैक कलर। फिर मैं इसी तरीके से इस सबको बार बार रिपीट करती जाऊंगी जैसे मैंने ये और ये बनाया है। इस ब्लैक से भी मैं पूरी रो बिन जाऊंगी ब्लैक और ये दोनों ऊन मेरा ऐसे ये बचा है, इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे इस तरीके से। अब मैं ये पूरा ब्लैक लगाऊंगी। ये देखिए ये मैंने ब्लैक से भी पूरा कर लिया। अब मैंने यहाँ पे फिर से ये ग्रीन की शुरुआत करके एक रो बना ली है यहाँ से। ये देखिए यहाँ से फिर मैं अब ये ऐसे यहाँ बिनती जाऊँगी और फिर मैं यहाँ पे ये चार चार फंदे छोड़ती जाऊँगी जब तक मेरा ये पूरा सर्कल पूरा ना हो जाए। ये मैंने इसमें ये तीन रंग लगाए हैं, आप चाहे तो इसके संग कोई भी कलर लगा सकते हैं, चाहे तो सिर्फ एक रंग से भी बनाया जा सकता है। जहाँ हमारा ये एक कलर यहाँ पे ख़त्म होता है फिर हम ये पूरी रो सीधी बीने, फिर इधर से ये बीनेंगे और इसके बाद फिर हम वही चार चार फंदे ये छोड़ते जाएंगे। तो आप चाहें तो इसको बीन के देखिए, ये एक एक कलर से भी बनाइए, दो रंग से बनाइए और जितनी कलियाँ हैं आप चाहें तो सारी मल्टी कलर से सारी कलियाँ भी बना सकती हैं। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप भी इसको बनाइए। ये डोरमेट बहुत अच्छा लगता है देखने में, ये सर्कल है, आप इसको डोरमेट बनाइए या फिर प्लेट कवर बनाइए या फिर टेबल पे रखिए या आप ऐसे कहीं भी सजाने के लिए अपने कहीं भी टेबल वगैरह पे भी रख सकते हैं। अब आप इसको बनाइए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आ गया होगा और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलें और अपने लोगों में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मैं आगे आपको और भी अच्छी चीज़ें बताती रहूँ। इस तरीके से धन्यवाद।